कि कबीर 52 अक्षर के बाहर थे। मैंने कहा बिल्कुल, अक्षर तो जीव के बाद अक्षर है, जितने भी शब्द हैं अगर मनुष्य नहीं होता तो शब्द की उत्पत्ति कहां से होती। साहब कबीर कहते हैं, पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रचा मैं कीव, अब मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। बड़ा जीव है कि शब्द है, अगर जीव एक भी धरती पर नहीं होता तो फिजिक्स कौन लिखता, केमिस्ट्री, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद पुराण, स्मृति, उपनिषद लिखता कौन, ये सारे लिखने वाले कौन है, यही मानव। और सारे शब्द कहां से निकले, यही मानव के अंदर से। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, कि शब्द मेरा गुलाम और ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम बना हुआ है। सारे लोग जाप करने में लगे, जाप करते हैं रामायण के, जाप भरे रात में रामायण को इस पार से उस पार कर देगा, लेकिन रामायण के एक लाइन के अनुकूल इसका आचरण नहीं बन सकता है। अब हर रात में पार के पार उतार देगा, इस पार से उस पार करेगा। बंधुओं, साहब कबीर पूछना चाहते हैं, हो गया समय, साहब कबीर तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं, किसका भजन होना चाहिए, कौन तुम्हारा हित है, और तजना किसको चाहिए, तुम्हारा दुश्मन कौन है, बोलिए किसका भजन हो और तजा जाए किसको। साहब कबीर कहते हैं, भजन तजन के बीच में न भजो किसी को और न तजो किसी को। एक मोटरसाइकिल आपके पास है और चार आदमी मांगने के लिए एक बार आया, किसको दीजिएगा, एक को दीजिएगा, तीन से झगड़ा होगा, मत दीजिए किसी को। आज मोटरसाइकिल अपने काम में ले जाइए, किसी को दुख नहीं होगा। तो भजन अपना शुरू कीजिए। साहब कबीर कहते हैं, रे बंदे करिले आपन मेरा, करिले आपन मेरा, रे बंदे करिले आपन मेरा, हो करिले आपन मेरा, रे बंदे करिले आपन मेरा। अवसर नहीं चेता हूं पानी, अपने तो बीड़ी पीते हैं भगैत गाते हैं, अपने तो मांस खाते हैं भगैत गाते हैं, अपने तो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, अब भगैत गाते हैं धर्मराज के गीत, अपनी भक्ति चल रही है। अपने तो मछली खाते हैं, छठी माई के व्रत कर रहे हैं, जितिया तीज कर रहे हैं, बैनाथ धाम जा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अब मांस, अपनी भक्ति हो रही है, अपनी गीत हो रही है। सारे लोग किसी का स्टेपनी बन गया, कोई राम के, कोई कृष्ण के, कोई महादेव के, कोई विष्णु के, कोई ब्रह्मा के, कोई सरस्वती के, कोई लक्ष्मी के, और कोई पार्वती के, सारा दुनिया स्टेपनी बना हुआ है और दूसरे की गीत गा रहा है। आपने मांस मछली चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी और बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पी रहा है, अपनी भक्ति नहीं हो रही है। भक्ति अपनी होनी चाहिए। इसी धरती पर राम आए, कृष्ण आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सीता सावित्री गायत्री धर्मराज दीना भद्री सब आए, सब अपना अपना काम करके गए। आज बारी मेरी है, मैं भी आया हूं इसी धरती पर, आज मेरी बारी है, मैं भी तो अपना कल्याण करके चलूं इस दुनिया से। अकि राम के गीत गाने से हमारा कल्याण होगा और कृष्ण के गीत गाने से, अशोका कारिक के गीत गाने से, ये दुनिया वाला राग द्वेष में फंस कर और दूसरे की गीत गाने में लगा है, अपनी गीत नहीं हो रही है। जिस दिन अपनी गीत हो जाएगी उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा और सुंदर सब समाज का निर्माण हो जाएगा। बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर ने कहा है, यह जग जरते देखिया
अपनी अपनी आग, ऐसा जियरा ना मिला जासो रहिया लाग। कबीर साहब कहते हैं सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है, किसका आधार लेकर के हम बच सकते हैं? आग शब्द का प्रयोग किए हैं लेकिन उस आग में एक विशेषण लगा हुआ है, वो विशेषण है अपनी। जो आग का स्वभाव है जलाना, पदार्थ तो एक ही है, आग में गर्मी है, लेकिन इस साखी में सद्गुरु कबीर आग का प्रयोग करके कहते हैं अपनी अपनी आग। अपनी आग से मतलब है जो अभी सुन रहे थे क्रांतिकारी विचारक संत श्री रामाशंकर साहब से, कि लोग अपनी अपनी मान्यताओं में डूबा हुआ है, अपनी अपनी मान्यताएं आदमी बना बना करके लोग उसमें डूबा हुआ है। चाहे वो मान्यता मंदिर की हो, मस्जिद की हो, अभी वर्तमान समय में जो यह देश जल रहा है आग में, आपने देखा कि बंबई में, दिल्ली में, जहांगीरपुरी में जो हिंसक घटनाएं हुई, उस हिंसक घटनाओं के पीछे कारण क्या है? आज बंबई में हिंसक घटनाएं हुई, मध्य प्रदेश में हुई, और इस देश का एक नेता कह रहा है कि अभी रमजान का महीना है इसीलिए मैं चुप हूं। जिन लोगों ने समाचार पत्र पढ़ा होगा या सुना होगा, वो कहा कि 3 तारीख तक चुप हूं, और समूचे देश के हिंदू को आह्वान करता हूं, यदि लाउड स्पीकर नहीं उतर गया मस्जिद से तो हम 24 घंटा हनुमान चालीसा का पाठ समूचे देश में करवाएंगे, चाहे अल्लाह अकबर कहिए लाउड स्पीकर से, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कराइए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सतगुरुदेव की जय। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अब सब लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाइए, जगह लेकर के आगे जगह छोड़ के नहीं बैठिए, खड़े हैं तो सब लोग जगह भर लीजिए। तो मैंने कहा अभी वर्तमान समय जो चल रहा है समूचे देश में, जो सांप्रदायिक आग सुलग रहा है, ये कौन सी आग है? एक आग है जिससे भोजन बनता है, आग नहीं रहे तो भोजन कर नहीं पाएंगे, भोजन मिलेगा नहीं, ऐसे प्रकृति प्रदत्त नियम है। प्रकृति के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, हम प्राकृतिक आहार लेना शुरू करें कि प्रकृति ने हमको जैसे दिया है
जो प्रकृति में उगता है उसको उसी रूप में ग्रहण करें तो अधिकांश आदमी स्वस्थ हो जाएगा, सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन उसको परिवर्तित करके जो हम ले रहे हैं उसको परिवर्तित होने में सहायक है आग। अभी माइक से माइक बज रहा है, वहां भी करंट पैदा किया गया है, वो करंट के माध्यम से पावर बना करके मैं धीरे से बोल रहा हूं। यहां धीरे से संत महापुरुष बोलते हैं, उनकी आवाज दूर तक फैल रही है, उसके पीछे पावर कौन है? आग। वह भी आग ही है। रात में बल्ब जलता है, दीप जलाते हैं, कल दीप जला यहां, क्या था वो? आग। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि यह जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी मान्यताओं का एक समूह बना करके आज हम लड़ रहे हैं। कोई मंदिर बना करके, कोई मस्जिद बना करके, कोई मंदिर के लिए लड़ता है, कोई मस्जिद के लिए लड़ता है। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब के चरण चिन्ह अनुगामियों ने कहा कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाका है, और दिल किसी का मत तोड़ो ये घर तो खास खुदा का है। मंदिर में तो बूथ धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह में घुसकर देखो हस्ता नूर खुदाई है। आज जो युद्ध चल रहा है, मैं कहता हूं एक कथा है। एक संत चले जा रहे थे और मोहर्रम का समय था, उधर से जब मोहर्रम का समय आता है, मुसलमान का पर्व आता है मोहर्रम, तो उसमें पागल हो जाता है, और हिंदू होली में पागल होता है। तो मोहर्रम का समय था, मुसलमान पागल हो गया था, तजिया बहुत लंबा था, अब तो तजिया का आकार छोटा हो गया है, तजिया बहुत लंबा बनाता था, वो तजिया लेकर के सड़क से चल रहा था। आगे हिंदू का गांव था और उसी बीच सड़क पर एक पीपल का पेड़ था, और अक्सर जहां पीपल का पेड़ होता है वहां हिंदू उसको पूजा स्थल बना लेता है, एक ध्वज गाड़ देता है। ये लोग ऐसी पुजगरी है, उस समय आता है कौन कौन पर्व, वो धागा लेकर के उसको लपेटती है। कभी कभी देखते हैं रास्ते में चलते हैं तो पीपल के पेड़ में इतना धागा लिपटा हुआ है, उस धागा से एक साड़ी बन सकती है, एक वस्त्र बन सकता है, वो अनावश्यक उसमें लपेट देती है। तो तजिया लेकर के चल रहा था, वो तजिया पीपल के पेड़ में, वहां ध्वज गड़ा हुआ था, हनुमान जी थे, जैसे अभी झगड़ा हुआ कि हनुमान जी का जुलूस निकल रहा था, उधर से पथराव किया, ये समझ रहा होता तो वो चले जा रहे थे। तो मुसलमान देखा कि तजिया लग जाएगा पेड़ में, तो कहा कुल्हाड़ी लाओ इसको काटेंगे। काट लगे, चूंकि तजिया जो है वो झुक नहीं सकता है, हमारा जो इमाम साहब है झुकेगा नहीं, हमेशा टाइट रहेगा, वो झुकना नहीं जानता है। लेकिन जो झुकना नहीं जानता है वो मनुष्य होगा क्या? कहा कि हमारा अल्लाह मियां झुकेगा नहीं, तब क्या करेंगे? कहा इसको काटेंगे। उधर से काटने के लिए कुल्हाड़ी आ गया, उधर हिंदू को पता चल गया कि हमारे हनुमान जी के डाल को काटने के लिए तैयार है। उधर से हिंदू पहुंच गया कि तुम काट नहीं सकते हो, तुम में दम है तो तुम लेके जाओ, लेकिन पेड़ को काट नहीं सकते हो, हमारा हनुमान जी है यहां। अब दोनों युद्ध की तैयारी में थे, अब युद्ध होने ही वाला था, संहार होता। उसी बीच से एक पारखी संत चले जा रहे थे, उस भीड़ को देखा, भीड़ को देख करके संत वहां चले गए, सोचा कुछ हो रहा होगा, लेकिन दोनों तरफ देखा, कटारी फरसा कुल्हाड़ी दबिया सबके हाथ में। कहा क्या हुआ भाई? तो मुसलमान कहा कि महाराज जी हमारा तजिया है, ये त्योहार है, इस पर अल्लाह मियां बैठा हुआ है, वो अल्लाह बैठा हुआ था, अल्लाह को जाने में कठिनाई होगी,
उसको पेड़ से टकराएगा तो टूट जाएगा, इसलिए डाल को हम काटना चाहते हैं। उधर हिंदू सब तैयार था, कहा तुम क्या कहना चाहते हो? कहा कि ये हनुमान जी हमारा है, पूजा स्थल है, इस पेड़ पर हनुमान जी हैं, इस डाल को काटने नहीं देंगे, जो डाल को काटेगा उसको काट देंगे। पारखी संत यही है विवेक। संत कहा है कि संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग। संत का स्वभाव ऐसा होता है कि समस्या का समाधान बीच से निकाल देते हैं। संत ने कहा कि एक काम करो, दोनों आदमी दोनों तरफ खड़े हो जाओ, तजिया को यहां रख दो, तजिया से तुम अलग हो जाओ, इस पर अल्लाह मियां है, और पीपल के पेड़ पर हनुमान जी हैं, 56 कोटि देवता है, तो तुम लोग भी पीपल का पेड़ छोड़ करके अलग हो जाओ, खड़ा हो जाओ, इस दोनों को युद्ध करने दो, जो मजबूत होगा वो युद्ध में जीत जाएगा, तुम लोग आपस में क्यों लड़ते हो? जैसे ये बात कहा दोनों अलग हो गया, अल्लाह मियां रहेगा, हनुमान जी रहेंगे तब न समाधान होगा। ये अल्लाह के नाम पर, हनुमान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, ईश्वर खुदा के नाम पर जो हम लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, ये युद्ध क्या है? ये कबीर साहब कहते हैं अपनी अपनी आग, अपनी अपनी मान्यता के आग में जल रहा है। अपनी मान्यता का त्याग कीजिए। साधु संत हैं, वेशभूषा में जल रहे हैं, कोई लाल कपड़ा को देख करके उजला कपड़ा वाले को देख के जलता है, उजला कपड़ा वाला लाल कपड़े वाले को देख करके जलता है, एक दूसरे को देख करके जो जलन है ये मान्यता की आग है। ये मान्यता की आग समाप्त हो जाए, और कैसे समाप्त होगा? संत महापुरुषों के सहचर्य में। लेकिन कबीर साहब यहां कहते हैं कि कासो रहिया लाग, ये पूरी दुनिया मान्यता की आग में जल रही है, तो हम किसके साथ लग करके रहें, किससे समाधान खोजें हम? क्योंकि जो समस्या वहां है वही समस्या समाज, साधु समाज में भी है। देख लीजिए चारों तरफ, अभी सुने कि एक संप्रदाय खड़ा है और उस संप्रदाय के बीच से एक नया संप्रदाय निकल गया, रोज नई संप्रदाय निकल रही है, नई नई मान्यता का को ग्रहण करके उसका उद्घाटन करके एक टोली बना करके जी रहा है, एक टोली में बना करके सब घूम रहा है, तो उस टोली से कल्याण होगा क्या? कबीर साहब का कहना ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाधान करने के लिए नहीं है। समाधान किनसे होगा? विवेकी संतों से होगा, जिनके पास विवेक है, जिनके पास विचार है, और जिसके पास सत्य है, सत्य को परखने की शक्ति है। ऐसे संतों के साथ, ऐसे संतों के सहचर से हमारे जीवन का समाधान हो सकता है, और जिससे समाधान होगा, देख लीजिए आज 3 दिवसीय कार्यक्रम का दूसरा सत्र है, और इस गांव का छोटा बच्चा कहिए, जो युवक है उसको अभी दूसरी दुनिया में रहनी चाहिए, लेकिन गांव को छोड़ करके साधु समाज में गया, साधु समाज में जीवन व्यतीत करके लौट कर गांव आया है, एक कार्यक्रम करने का संकल्प लिया। संकल्प कौन लिया? एक व्यक्ति, दिलीप संकल्प लिया, और संकल्प लेकर के आपके पास प्रस्ताव रखा, समूचे गांव वालों के पास। कुछ लोग सहयोग किया, कुछ लोग डांटा डपट डांट फटकार भी किया बच्चा समझ करके, लेकिन सब लोग सहयोग किए, सब लोग कंधा में कंधा मिला दिए। एक बच्चे का संकल्प, ये समूह खड़ा किया, इतना बड़ा पंडाल लगाया, 2 महीने से मेहनत करके आयोजन किया है, और ये भी कहा लोगों ने कि पैसा तुम्हारे पास कितना है जितना बड़ा आयोजन करोगे। लेकिन इसी जगह पर कोई लड़का रहा होता और किसी हीरोइन का कार्यक्रम ले लिया होता, कोई उससे पूछता, ये पता चल जाता कि कोई हीरोइन आ रही है,
या डांसर सपना चौधरी आ रही है तो हमको लगता है कोई पूछता नहीं, कहता जितना पैसा लगता है लो और भीड़ भी लगा देता है। जिसको देखने से, जिसको सुनने से हमारी चैतिक चेतना धूमिल हो सकती है, वहां हम धन का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन जहां से हमारी चेतना का उद्घाटन होगा, जहां से हम उद्घाटित हो सकते हैं, जहां से हमारे जीवन को नई दिशा मिल सकती है, वहां कठोर मेहनत करने पर भी पंडाल की संख्या देख लीजिए, लोग भीड़ रहेगी तब सत्संग होगा। शोभा संत महात्मा अपने समय से आपके लिए कुछ दे करके चले जाएंगे, हानि किसकी होगी। जो संत इस मंच से जिन बातों को सुन रहे हैं, यदि एक एक व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लीजिए तो अपना कल्याण हो जाएगा कि नहीं, सबका कल्याण हो जाएगा, सबके जीवन की दिशा बदल जाएगी। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को समझें, अपनी मान्यताओं को समझ करके और तब उस पर हम आगे बढ़ें। अधिक अधिक आगे नहीं कहते हुए, समय अधिक हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा निवेदन किया कबीर साहब की एक साखी पर, यह जग जलते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा जियरा ना मिला जासो रहिया लाग। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विश्राम देता हूँ। दिल तैयार हमको।